हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर नीट एस्पिरेंट, दिस इज आरजीआर सर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ए चैप्टर एनवायरमेंटल इशू। द फर्स्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स। बेटा, हम पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट की बात इस लेक्चर में डिटेल में करेंगे। एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंट क्या है? अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके चारों तरफ जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो सब क्या हैं? आपके एनवायरमेंट हैं। वो क्या है? आपके एनवायरमेंट है। अब उस एनवायरमेंट में जो भी चीजें मौजूद हैं उनके साथ सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, तब हम उसे इशू का नाम नहीं देंगे। इशू का नाम कब देंगे? जब आपके एनवायरमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसमें कोई चेंज आ जाता हो। चेंज भी ऐसा हो जो चेंज फेवर न करता हो। किसको? उस ऑब्जेक्ट को, उसकी ब्यूटी को क्या करता हो? अफेक्ट करता हो, तब वो इशू बनता है। यहाँ पर हम इस चैप्टर में एनवायरमेंट के इश्यूज की बात करेंगे, और जो सबसे बड़ा इशू है एनवायरमेंट का वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कैसे हुआ, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के काजेस क्या हैं, इन सब की बात हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ये पॉल्यूशन आया कहां से, क्या वजह था पॉल्यूशन का। तो वजह में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर स्टूडेंट्स, ह्यूमन अपने वेलफेयर के लिए एनवायरमेंट के जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेज हो जाते हैं, और वही चेंजेस पॉल्यूशन का रूप लेते हैं। जैसे हम बात करें प्रीवियस 100 ईयर्स की, तो उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है, फ्लो चार्ट से हम इसको समझते हैं, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ी है। डिमांड किसकी? फूड की, वाटर की, रहने के लिए घर की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड की, ऑटोमोबाइल्स, जाना आना है, मोबिलिटी, फॉर मोबिलिटी पर्पज़ ऑटोमोबाइल्स की नीड बढ़ी है, अदर कमोडिटीज़ की नीड बढ़ी है। अब ये जब नीड है तो कुछ ना कुछ दिक्कत वो क्रिएट करेगा, क्योंकि एक लिमिटेड पॉपुलेशन को अगर कुछ खिलाना है, पिलाना है, उसको जिलाना है, उसके नीड को फुलफिल करना है, तब तो मामला ठीक ठीक जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन यदि काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या क्रिएट करेगा? एक ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जो एनवायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं,
जो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट में रहकर ऑर्गेनिजम्स को कुछ देते हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। और जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उनके ऊपर एक ट्रिमेंडस प्रेशर क्रिएट होगा, और वो ट्रिमेंडस प्रेशर कॉज करवाता है पॉल्यूशन। क्या कॉज करवा देगा? पॉल्यूशन कॉज करवा देगा। पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पॉल्यूशन ऑफ एयर, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल। अब ये तो हो गई बात कि पॉल्यूशन कैसे आया, अब जरूरत क्या है? ध्यान दो, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे जो भी संयंत्र लगाए जाते हैं, वो फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब हम देखेंगे कि आखिर डिग्रेडेशन, डिप्लीशन, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं नेचुरल रिसोर्सेस की, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहाँ तक बाधित नहीं हो सकता है? डेवलपमेंट को रोका नहीं जा सकता, ह्यूमन वेलफेयर को रोका नहीं जा सकता, यानी नेचुरल रिसोर्सेस का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को, हम ह्यूमन वेलफेयर के प्रोसेस को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जितनी नीड हो उतना ही हम डिस्टर्ब करें। किसको? अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग को, अपने सराउंडिंग में अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस को, तो वो पॉल्यूशन नहीं होने देगा, अदरवाइज पॉल्यूशन क्रिएट होना है। आगे बढ़ते हैं, पॉल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल कॉल्ड पॉल्यूशन। बायोस्फीयर में तीन मेजर पार्ट होता है, एटमॉस्फियर, एयर का घर, हाइड्रोस्फियर, वाटर का घर, और लिथोस्फियर, सॉइल का घर। बेटा एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, इन तीनों में जो रहते हैं एयर, सॉइल, वाटर, उनकी एक डेफिनेट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है फॉर द ऑर्गेनिज्म, फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में यदि कोई चेंज आ जाता है तो हम उसे नाम देते हैं पॉल्यूशन। हम उसे क्या नाम देते हैं? पॉल्यूशन। कि सॉइल क्या हो चुकी है? पॉल्यूट हो चुकी है। एयर क्या हो चुका है? पॉल्यूट हो चुका है। वाटर क्या हो चुका है? पॉल्यूट हो चुका है। हमने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स को शूट करता है वाटर, उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस वाटर, सॉइल और एयर का पॉल्यूट होना कहा जाएगा। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या है? वो एजेंट जो इस प्रक्रिया को करवाते हैं, यानी जो अनडिजायरेबल चेंज ऑफ सॉइल, एयर और वाटर है, उनको करवाने वाले एजेंट्स पॉल्यूटेंट्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहे जाते हैं। तो अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट, एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज
पॉल्यूटेंट्स और कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। ये एक फैक्ट है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लॉन्च किया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंट एक्ट 1986 टू इम्प्रूव टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एयर, वाटर और सॉयल यानी एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर के जो एजेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एक्ट लॉन्च किया था 1986 में। यह फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आपको याद रखना होगा विथ नेम विथ डेट। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट की बात करेंगे। वेरियस कैटेगरी के पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ओरिजिन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट के, हम बात करें सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट की, उसके बेस पर दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ये कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, इनमें नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट की हम बात करेंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर दोज पॉल्यूटेंट्स विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से डायरेक्ट निकलता है एंड परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच देवर एडेड टू द एनवायरमेंट। ये सोर्स से जिस रूप में निकलता है उसी रूप में एनवायरमेंट में मेंटेन रहता है, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, जैसा बना था तब था वैसा ही बनने के बाद भी वो रहेगा। इसे बोलेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट में एस आता है, स्मोक आता है, फ्यूम्स आता है, डस्ट आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोकार्बन आते हैं, यानी ये सब ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, जैसा वो सोर्स से निकला था वैसा ही वो आज भी रहेगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के डेराइव्ड प्रोडक्ट हैं, यानी बेस जो है वो क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वो रिएक्ट किया हुआ है केमिकली कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से, किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से वो इंटरेक्ट करके और वो एक नया केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर ले रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन है? जो पॉइंट सोर्स से निकला और उसी तरीके से रह गया। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है और केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनेगा। किससे केमिकल रिएक्शन करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में मौजूद किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से वो क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है और तब बन रहा है। इसमें कौन आ रहा है? परॉक्सी एसिटिल, नाइट्राइल पैन एंड ओजोन, परॉक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड ओजोन। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनता है एटमॉस्फियर में, ये हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड देयर डिप्लीशन, यूवी एक्शन से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रेट ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से परॉक्सी एसाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी के पॉल्यूटेंट हैं। तो इस स्लाइड में हमने पॉल्यूटेंट्स की दो कैटेगरी देखी, एक प्राइमरी और एक
सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम दो कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स का जिक्र करेंगे। इसमें एक है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट और एक है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। एक क्वांटिटी की बात कर रहा और एक क्वालिटी की बात कर रहा है। क्वांटिटी का मतलब क्या? क्वांटिटी का मतलब ये है कि उसकी मात्रा कितनी है, इसके ऊपर डिफाइन होगा उसका पॉल्यूटेंट कैरेक्टरिस्टिक। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो नॉर्मली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, नॉर्मली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनकी मात्रा यदि एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, इनकी मात्रा यदि एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, तब वो पॉल्यूटेंट का रूप लेते हैं। यदि इनकी मात्रा लिमिटेड रही तब वो पॉल्यूटेंट नहीं कहे जाएंगे। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों पॉल्यूटेंट तब कहे जाते हैं जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इनकी मात्रा कम है तो ये पॉल्यूटेंट नहीं है। दोज सबस्टेंसेस नॉर्मली अकरिंग इन एनवायरनमेंट हु एक्वायर द स्टेटस ऑफ ए पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन गेट्स इंक्रीज ड्यू टू अनमाइंडफुल एक्टिविटीज ऑफ मैन। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में यदि बढ़ रहा है, एटमोसफियर में यदि बढ़ रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। बताएंगे आगे के जो लेक्चर्स होंगे क्यों हम हैं, हमें क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि हम मोस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस अर्थ माने जाते हैं। हम वर्तमान में रूलर्स ऑफ अर्थ की कैटेगरी में रखे गए हैं। हमारी सत्ता इस अर्थ पर चल रही है। ठीक है, तो हमारी वजह से ही किसी क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट को पॉल्यूटेंट बनने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अब क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट कौन है, सेकंड कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट वो है जो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हम उसे ऐड करते हैं, यानी आ बैल मुझे मार। हम अपने वेलफेयर, अपने फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट्स को मारते हैं, और वो इंसेक्टिसाइड्स फिर बायोमैग्निफिकेशन कर करके और हमें क्या करता है, तबाह करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, तबाह करता है। तो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट कौन है, वो सब्सटेंस जो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में नहीं होता, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दो कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट हमने यहाँ भी डिस्कस किया, क्वांटिटेटिव जो पाया जाता है नॉर्मली अकरिंग मॉलिक्यूल कंपाउंड है, जब तक उसकी क्वांटिटी लिमिटेड रहेगी, लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन क्वांटिटी यदि बढ़ जाएगी बाय योर एक्टिविटी तब वो रूप ले लेगा किसका, पॉल्यूटेंट का। क्या करवाएगा, पॉल्यूशन करवाएगा। ठीक है ना, जैसे CO2 बढ़ता है ना तो ग्रीन हाउसिंग करा देता है। आगे पढ़ाऊँगा कि ग्रीन हाउसिंग जो फेनामेना है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड ऑल्सो वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉल्यूटेंट को कैटेगराइज करें तो दो पॉल्यूटेंट मिलते हैं। एक वो पॉल्यूटेंट है जो बायोडिग्रेडेबल है, एक वो पॉल्यूटेंट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब वो पॉल्यूटेंट जिसका डिकम्पोजिशन संभव है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन है, जिसका डिकम्पोजिशन संभव नहीं है। अब बेटा जो डिकम्पोज होते हैं ना, वो तरह तरह की गैसेस निकालते हैं,
और वो गैसेस जाके एयर पॉल्यूशन करवाता है, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, पॉल्यूटेंट। क्या कह रहे हैं, पॉल्यूटेंट, क्योंकि वो पॉल्यूशन करवा रहा है। इधर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या है, जो डिग्रेड ही नहीं हो पा रहा है। अब डिग्रेड नहीं हो रहा है तो वो सॉइल में पड़ा रहेगा और वो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन करवाएगा। क्या करवाएगा, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन करवाएगा। जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में हम बात करें तो इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आता है, यानी घरेलू कचरा, यूरिन आता है, फीकल मैटर आता है, सीवेज आता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू आएगा, पेपर आएगा, वुड आएगा, क्लॉथ आएगा, कैटल डंग आएगा, एनिमल बोन्स आएगा, लेदर आएगा, वूल आएगा, वेजिटेबल स्टफ आएगा, प्लांट्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में DDT, इसका बायो मैग्निफिकेशन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, मेटल आर्टिकल्स लाइक एलुमिनियम कैंस, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल कौन है, जो डीकम्पोज हो सकता हो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब वो पॉल्यूटेंट क्यों कहा जाएगा, पॉल्यूटेंट इसलिए कहा जाएगा, वो नेचर्स क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाते तो हैं, जो नेचुरल क्लीनर्स हैं उसे क्लीन तो करते हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कुछ गैसेस निकालते हैं, वो गैसेस जाके हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है उसे क्या करता है, पॉल्यूट करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्यों कहा जाता है, जिसका बायोडिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सॉलिड के फॉर्म में सॉइल में मौजूद रहेगा और सॉइल की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ये एक तरीके से सॉलिड वेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। किस तरह ट्रीट किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट है ये। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। हमने इसमें पहले इन्वायरमेंट की बात करी, फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करी, ठीक है, फिर हमने पॉल्यूशन कैसे अराइज होता है उसकी बात करी, पॉल्यूशन का डेफिनेशन जाना, पॉल्यूटेंट्स का डेफिनेशन जाना, पॉल्यूटेंट का टाइप पढ़ा। जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम पॉल्यूशन ऑफ एयर पढ़ेंगे, पॉल्यूशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, पॉल्यूशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, उसमें हम सीवेज की बात करेंगे, हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की, हम बात करेंगे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की, हम बात करेंगे एल्गल ब्लूमिंग प्रोसेस की, हम केस स्टडी की बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्रीन हाउसिंग की, हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की, हम बात करेंगे ओजोन लेयर एंड देयर डिप्लीशन की। ये तरह तरह की जो टॉपिक्स दिए गए हैं आपके चैप्टर में, उन सब की चर्चा हम लोग वन बाय वन लेक्चर सीरीज में करेंगे। प्रॉपर नोट्स आप इस लेक्चर से प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।